हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे काजू नमक पारे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है और स्नैक की जरूरत भी पड़ती ही है। तब आप इसे बनाकर मेहमानों के सामने रख सकते हैं और यह इतने टेस्टी बनेंगे कि आप भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। और इसको आप 10 से 15 दिन के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं काजू नमक पारे बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में मैं डालूंगी 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान कर लिया है। अब इसी के साथ इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून सूजी। सूजी डालने से ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। इसी के साथ इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून नमक, साथ में डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए डालेंगे। इसे खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आते हैं। और इसी के साथ अब मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पुदीना। ये ड्राई पुदीना मैंने लिया है। इसको भी हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अब इन सभी को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप ऑयल। ऑयल हम मोयन के लिए डाल रहे हैं। मोयन डालने से बहुत ही अच्छे और खस्ता बनेंगे। ऑयल डालकर हमें हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे आटे में मोयन अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इस तरह से मुट्ठी बना के देखेंगे, अगर मुट्ठी बन रही है तो मोयन परफेक्ट है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी। पानी एक साथ हमें नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि इसका हमें टाइट डो बनाना है। ये देखिए अच्छा टाइट डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, हम डो को चेक कर लेते हैं। ये देखिए डो बहुत अच्छे से सेट हो गया है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से मस लेंगे और इसको सॉफ्ट और लचीला बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और लचीला हो गया है। अब हम इसके इस तरह से बॉल बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बॉल बनाया है। इस पूरे डो के मैंने 3 पार्ट्स कर लिए हैं। ये देखिए 3 पार्ट्स बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब एक प्लेटफॉर्म पे मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूंगी। इस तरह से एक पेड़ा लेके एक रोलिंग पैन से इसको हम मोटी थिकनेस का बेल लेते हैं। थिकनेस इसकी हमें मोटी ही रखनी है क्योंकि काजू नमक पारे थोड़े मोटे ही होते हैं। ये देखिए इतना मोटा मैंने बेला है। आप सबसे पहले इस तरह से एक फॉग लेंगे और इसमें बहुत ही अच्छे से होल्स करेंगे। होल्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काजू नमक पारे फूल जाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी मैं बहुत अच्छे से इसमें होल कर रही हूँ। ये देखिए सभी छेद हो गए हैं। अब इस तरह से कटर लूंगी और इसको कट करेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से कट हो रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे कट रहे हैं। आप चाहें तो इस तरह के ढक्कन का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी ये बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे ढक्कन से भी कट रहे हैं। इसी तरह से हम पहले सारे काजू नमक पारे कट कर लेंगे। ये देखिए इसमें कितना अच्छा शेप आ रहा है, बहुत ही अच्छे से कट रहे हैं। इन सभी को मैंने कट कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम वापस से डो में मिला लेंगे और वापस से इसके काजू नमक पारे बेल लेंगे। ये देखिए सभी ये कट हो गए हैं। अब इनको मैं प्लेट में रख लेती हूँ। बाकी बचे हुए डो को भी इसी तरह हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इनको तल लेते हैं। ये देखिए तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये नमक पारे डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। थोड़ा सा ये तल के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे।
ये देखिए थोड़ा सा हमें हिलाना है इसको। गैस की फ्लेम को अभी मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। इसको हम अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने देंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े गोल्डन होने लग गए हैं, लेकिन हमें इसको पूरे अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से तल गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए इन सभी को मैंने निकाल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे ये बने हैं। बाकी बचे हुए नमक पारों को भी हम इसी तरह तलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी मैंने तलकर तैयार कर लिए हैं, कितने अच्छे ये बने हैं। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़े से काली मिर्ची का पाउडर और साथ में थोड़ा सा जलजीरा। इस तरह से मैं इसको छिड़क देती हूँ और अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सभी काजू नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं और बहुत ही खस्ता ये बने हैं। इसी के साथ काजू नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।